आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वॉचिंग चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो मुनफरिद चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है फैसलाबाद के घंटाघर के करीब वाक़ सेंट पीटर्स एंड पॉल्स कैथीड्रल। व्यूअर्स, इस चर्च को गोल चर्च के नाम से भी जाना जाता है और इस चर्च का ताल्लुक फैसलाबाद रोमन कैथोलिक डायसेस से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। अगर हम खसूसन कैथीड्रल की इस बिल्डिंग का मास्टर प्लान डिस्कस करें तो एरियल व्यू से देखते हैं तो इस कैथीड्रल की फॉर्म क्रॉसी है, लेकिन बाकी चर्चेस की तरह लॉन्ग क्रॉसी फॉर्म नहीं है बल्कि मर्ज क्रॉसी फॉर्म है, जिसके चारों आर्म्स लगभग एक ही लंबाई के हैं और ये एक खूबसूरत क्राउन की तरह दिखाई देता है जिसमें पॉइंटेड स्पीयर्स भी हैं। ये क्राउन अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं तो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सर पे भी इसी तरह का क्राउन रखा गया है और इसके अलावा यूरोप और दीगर ममालिक में भी चर्चेस की ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो क्राउन की शक्ल में बनाई जाती हैं। इस बिल्डिंग को क्राउन की शक्ल में बनाने का एक मकसद था जो कि बाइबल मुकदस के नए अहदा में रेवलेशन में तहरीर शुदा आयत है, जो आखिर तक बर्दाश्त करता है वही जिंदगी का ताज पाता है। इस चर्च की बिल्डिंग ताजनुमा इसलिए है कि ये थियोलॉजिकल और ख़ास मकसद को भी जाहिर करती है और एक आयत को भी जाहिर करती है। इस चर्च को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो कंक्रीट, रेड ब्रिक और मेटल भी है। इस खूबसूरत चर्च को ना सिर्फ इस कंक्रीट से बनाया गया बल्कि इसमें अलग अंदाज में एलुमिनियम भी इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत शीशे की विंडोज बनाई गई हैं और अगर आप इस शक्ल इस चर्च के बिल्कुल टॉप पे देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत मेटल का क्रॉस भी बनाया गया है। सेंट पीटर एंड पॉल क्यों कहा जाता है इस कैथीड्रल को? क्योंकि सेंट पीटर्स तो खुदा यीशु मसीह के एक ख़ास शागिर्द थे, लेकिन पॉल उन इब्तदाई शागिर्दों में से नहीं थे बल्कि बाद में उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की जो कि बहुत ही अहम शागिर्दों में से हैं जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे एपिसल्स यानी खतूत भी कलीसियाओं को तहरीर किए। इस कुशादा इमारत के अंदर ना सिर्फ सेंट पीटर्स एंड पॉल्स कैथीड्रल ही है बल्कि इसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल, एक ऑडिटोरियम और इसी कैथीड्रल की पुरानी बिल्डिंग भी शामिल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज़ियारत मुक़दसा मरियम भी इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है जहाँ पर लोग आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं।